आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसटीएस न्यूज़ में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। भिवंडी शहर के पूर्व नगर सेवक संजीव भोईर ने आज भिवंडी के भोईवाड़ा इलाके में कांग्रेस पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन रशीद ताहिर मोमिन और पूर्व सांसद सुरेश टावरे व उनके साथ में आए हुए कांग्रेस के अर्सी आजमी जिमी और कई सारे कांग्रेस के नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इसका उद्घाटन करते हुए संजू भोईर को शुभेच्छा दी। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी, ऐसा संजू भोईर ने कहा। साथ ही साथ में संजू भोईर ने यह कहा कि आम जनताओं के लिए आम जनता के लिए काम के लिए ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिससे जनता का काम होगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव भी लड़ूं, ये ऐसी भी भावना जताते हुए उन्होंने जनता के बीच में रखी। हालांकि माजी विधायक रशीद ताहिर मौजूद थे और भावी विधायक संजू भोईर ने अपनी मन की बात, मोहब्बत की बात की और साथ ही साथ में जनता का काम करने का विश्वास भी दिलाया। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में क्या कहा रशीद ताहिर मोमिन ने। ऐसा कोई मामला नहीं है, रूटीन काम है। तीन साल पहले जो कार्यकारिणी बनी थी, आज तीन साल पूरा हो गया, उसमें बहुत से लोग पार्टी में शामिल हुए, नए लोग पार्टी में आए और कुछ लोग जो है जो पार्टी की मीटिंग में नहीं आते या कुछ लोग जो है पुरानी लिस्ट में कुछ लोग जो है उसमें दूसरी पार्टी के एक आध दो लोग आ गए किसी वजह से, तो ये सब करेक्ट करने के लिए अगर किसी को आप निकालने जाती है, अगर पार्टी जाती है तो नाराज़ होता है। तो ये आप वो लेटर मेरा जो है जो मेरे पास आया है वो देखेंगे आप, मैं आपको कॉपी भेज देता हूँ। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नाना भाऊ पाटोले के आदेश पर कार्यकारिणी को भंग किया गया है और मुझको लेटर लिखा गया है कि नई कार्यकारिणी के लिए नाम आप जो है 7 दिन के अंदर प्रदेश में प्रभारी के हाथ से जमा करो। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, नई कार्यकारिणी की भी यादी जो है मुझको सबमिट करना है, उसके बाद अगर कुछ और नाम किसी के पास आएगा तो उसके ऊपर हमारे से चर्चा करके नई कार्यकारिणी का गठित होगा। लेकिन इसको जो है कुछ लोग इतना बड़ा इश्यू बना दिए, मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया को कुछ भी लिखने से पहले ये देखना चाहिए कि जिसके बारे में आप लोग लिख रहे हैं और जो शब्द लिखते हैं नहीं रहे, तो हमारी भी फैमिली है, परिवार है, हमारे मानने वाले जानने वाले बड़ी तादाद में एक लीडर के रहते हैं, तो उनको दुख पहुंचता है। लोग हमारे घर पर फ़ोन कर रहे हैं, आ रहे हैं, क्या हुआ, और जब देखते हैं तो ऐसा कोई भी हेडिंग लगाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। और बाकी जो है ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में कोई भी फेर बदल नहीं हो रहा है। आज भी आपने 15 दिन पहले जो हमारा प्रोग्राम हुआ धोबी तालाब स्टेडियम पर, आपने वहाँ पर कांग्रेस की ताकत देखी, प्रोग्राम में कितनी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। तो इससे एक चीज़ साफ है कि पूरा शहर जो है कांग्रेस के साथ में है। आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे अंकल लगते हैं सुरेश टावरे साहब, उन्होंने कहा कि संजू मेहनत कर, मेहनत का जो फल है वो अपने को मिल जाएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ। रशीद ताहिर साहब ने भी ये यहाँ पे कहा कि संजू जमीनी से जुड़ा हुआ है, और रशीद ताहिर साहब ने आपने सुना होगा क्या अपने को ऑफिस की ज़रूरत नहीं, संजू खुद पे खुद वहाँ पर पहुँचता है। ये हकीकत है कि संजू हर मुकाम पर हर किसी के लोग बोलते हैं। तो आगे कांग्रेस पार्टी या मेरे जो सीनियर जो है मेरे चाचा है, काका है, मेरे अब्बा है, इन्होंने आशीर्वाद दिया तो मैं आगे की लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ, मगर इनके आशीर्वाद के बिना मैं लड़ नहीं सकता हूँ। इन्होंने आशीर्वाद दिया तो मैं लड़ के आमदार बन जाऊँगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। सर इससे पहले भी मेरे ऑफिस है, मगर यहाँ पे ये ऑफिस इसलिए खोला गया, रशीद ताहिर साहब ने कहा
क्या एजुकेटेड जो लोग हैं वो इसमें जुड़ते नहीं, तो ये हमारा काम है। उनका नाम वोटिंग लिस्ट में आना चाहिए और उन्होंने वोट देना चाहिए और नाम आना चाहिए। इसके ये प्रयास से ये ऑफिस खोला गया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें जुड़े रहें और लोगों का नाम इसमें जोड़ा जाए और अपना कांग्रेस पार्टी का जो अभी गठबंधन है उसी का यहाँ पे MLC बनना चाहिए, ये हमारी पूरी कोशिश है। लोग आए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑफिस में आके फॉर्म भर के अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करेंगे, उनके लिए मालूम दी जाएगी। अभी मैं रचिता हिसाब से सुरेश चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे STS न्यूज़ के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।